नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी डाली न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मनाया गया नेशनल फार्मेसी वीक। काशीपुर के खोकराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नेशनल फार्मेसी वीक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के छात्र छात्राओं ने फार्मासिस्ट जागरूकता रैली निकालकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। ये जागरूकता रैली सम्राट कॉलेज से प्रारंभ होकर धीमरखेड़ा गाँव में भ्रमण करते हुए वापस सम्राट कॉलेज में समाप्त की गयी। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए समाज में फार्मासिस्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। कुमकार ग्लोबल एकेडमी ने छात्रों के लिए देवार्पण फूड्स की औद्योगिक यात्रा का किया आयोजन। राष्ट्रीय लोक शिकायत मानव अधिकार न्याय आयोग द्वारा नशे के खिलाफ निकाली गई रैली। वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन और उत्तराखंड खेल विभाग की तरफ से काशीपुर स्टेडियम में हुआ कैंप का आयोजन। समर स्टडी हॉल विद्यालय में देवभूमि सहोदय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फुटसल प्रतियोगिता का शुभारंभ। काशीपुर के होली एंजल पब्लिक स्कूल में मनाया गया काला दिवस। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी ने हाल ही में अपने छात्रों के लिए देवार्पण फूड्स की एक औद्योगिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में छात्रों को खाद्य उद्योग की कार्य प्रणाली की जानकारी, उत्पादन प्रक्रियाओं को समझने और खाद निर्माण कंपनी के परिचालन पहलुओं के बारे में जानने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया। ये एक महान शैक्षिक अनुभव था जिसने छात्रों को उद्योग में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए मदद की। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ उनके सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाया। राष्ट्रीय लोक शिकायत मानव अधिकार न्याय आयोग द्वारा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं आज काशीपुर में भी राष्ट्रीय लोक शिकायत मानव अधिकार न्याय आयोग द्वारा रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया तथा नशे से दूर रहने की युवा पीढ़ी से अपील की गयी। राष्ट्रीय लोक शिकायत मानव अधिकार न्याय आयोग द्वारा आज एक नशे के खिलाफ एक नशे के प्रति एक आंदोलन जो आज जारी किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुहेल अब्बास जी द्वारा एक आह्वान दिया गया था। इससे पहले हमने किला खेड़ा और जसपुर भी बड़ा प्रोग्राम किया और आज हम लोग एक नशे को लेकर के जो आज के हम देख रहे हैं कि हमारी जमा जो छोटी छोटी सी पीढ़ियाँ हैं वो आज बर्बाद हो रही हैं और लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों के नशे के व्यापारी दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक रूप से हम देखते हैं वो पकड़ तो चल रही है, मगर आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जो पहले नशा करते थे आज वो नशे के खुद व्यापारी हैं। जो नशा कर रहे हैं वही अपनी जेब में एक दो पुड़िया रख करके बेच रहे हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने में मुझे लगता है कि असमर्थ है पुलिस हमारा प्रशासन। आज उसको जगाने के लिए हमने एक रैली का आयोजन किया। मैं राष्ट्रीय मंत्री जुबैर सिद्दीकी 38वें नेशनल गेम्स में वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन उत्तराखंड और उत्तराखंड खेल विभाग की तरफ से 40 खिलाड़ियों और कोचों का कैंप 18 नवंबर से काशीपुर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव राजीव चौधरी, अध्यक्ष महेश नेगी की देखरेख में सभी ट्रेनिंग के कार्यक्रम अच्छे से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कैंप में खिलाड़ी तैयारी करके कम से कम 10 मेडल उत्तराखंड को वेटलिफ्टिंग में जरूर दिलाएंगे। काशीपुर में दिनांक 21 नवंबर 2024 देवभूमि सहोदय द्वारा आयोजित फुटसल प्रतियोगिता का शुभारंभ समर स्टडी हॉल विद्यालय में हुआ। इस प्रतियोगिता में काशीपुर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। सर्वप्रथम विद्यालय की अध्यक्ष मुक्ता सिंह ने प्रतियोगिता के विशेष अतिथि कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी CS बिष्ट का स्वागत किया और उनका आभार प्रकट किया। साथ ही राहुल पैगिया, चेयरमैन संस्कार स्कूल काशीपुर तथा डायरेक्टर हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर का स्वागत किया। होली एंजल पब्लिक स्कूल में काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को काले रंग के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को काले रंग के विभिन्न वस्तुओं से परिचित कराया गया। कक्षा में काले रंग की सभी चीजों को प्रदर्शित किया गया। बच्चों को पेंटिंग और रंग भरने जैसी गतिविधियां करवाई गई। बच्चों से काले रंग के खिलौने लाने के लिए कहा गया और उन्हें काले रंग की महत्वता के बारे में बताते हुए ये कहा गया कि काला रंग शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। काले रंग को शोक का प्रतीक भी माना जाता है। आज काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि इमरजेंसी की स्थिति में स्टाफ आग बुझाने में सक्षम हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।